अभी हम आ चुके हैं सिंघाड़े के खेतों में, जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, उस सारे खेतों में सिंघाड़े किए जाते हैं। यहां पर देखिए कई सारे लोग हैं जो यहां पर सिंघाड़े तोड़ रहे हैं। यहां पर एक छोटी सी नाव दिख रही है, इसमें सिंघाड़े को इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के लाते हैं। यहां पर भैया खेत के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हाथ डाल के एक सिंघाड़े की बेल बार बार निकाल लेते हैं, उसमें से जो भी सिंघाड़े हैं उनको तोड़ लेते हैं। तो भैया आप सुबह से इस पानी के अंदर घुसे हैं, तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ कुछ नहीं हो रही है, तकलीफ तो थोड़ी बहुत तो होती है। अच्छा, तो कितने घंटों तक पानी में रहते हैं आप? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे लगातार? लगातार। क्या बात है, 4-5 घंटे भैया लगातार इसी तरीके से पानी में रहते हो, तो उसमें रिस्क नहीं रहता कि सांप बाप नहीं रहते? सांप बाप नहीं होता है। अच्छा, सांप नहीं रहते हैं? नहीं। तो आप जो इतना सारा ये पानी भरते हैं, ये क्या ट्यूबवेल से लाते हैं? ट्यूबवेल से, पहले ट्यूबवेल चलते हैं, फिर नहर बम्बे का आ जाता है। अच्छा, नहर बम्बे का है, तो इधर नहर किधर है? सामने खड़ी। अच्छा, और भैया एक बेल में कितने सिंघाड़े आते हैं वैसे? अभी तो 2-4 हैं, फिर आते हैं 8-10। अच्छा, अभी 2-4 ही निकलेंगे? किसी में एक भी नहीं निकलता है। तो अगली बार? अच्छा, किसी में एक भी नहीं निकलता है। अगली बार जब तोड़ेंगे तो किसी में 8 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 2 भी होंगे। एक ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 निकले हैं लाल, 3 सिर्फ। ये रेड कलर के, ग्रीन कलर के और ये ब्राउन कलर के जो सिंघाड़े हैं, इनके टेस्ट में क्या डिफरेंट रहता है? लाल वाला ज्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, रेड वाला ज्यादा टेस्टी होता है, समझ लो थोड़ा 19-20 का फर्क। अच्छा, 19-20 का फर्क रहता है। तो आप मतलब इसमें सिंघाड़े उगाते कैसे हैं? ये बेल आती है सिंघाड़े की, बीज। अच्छा, बेल आके फिर ये गाड़ी जाती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी होता है उसमें गाड़ के, फिर ये फसल तैयार हो जाती है। लगभग 4 महीने लग जाते हैं। 4 महीने लगते हैं इसको उगाने में? क्या बात, यहाँ भी भैया तोड़ रहे हैं, उधर भी तोड़ रहे हैं और उधर भी तोड़ रहे हैं। मतलब आप जहाँ तक देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप करके यहाँ पर जो लोग बाग हैं अपने अपने खेतों में से सिंघाड़े तोड़ते रहते हैं। तो भैया ये जो आप बेल डालते हैं, इसके अंदर अलग अलग कलर की डालते हैं क्या? हाँ, अलग कलर की आती है। अच्छा, अलग अलग कलर की आती है, तो सीधे सीधे बेल डालनी पड़ती है? वही बेल बड़ी हो जाती है? वही बड़ी हो जाती है। तो ये 4 महीने बाद ये सिंघाड़े जब खत्म हो जाएंगे, फिर ये जो पत्ते हैं ये तो इसी के अंदर रह जाएंगे खेतों में? ये खत्म हो जाएंगे, गल जाएगी। अच्छा, ये गल जाएंगे सिंघाड़े टूटने के बाद? हाँ। क्या बात है। तो आप ये सिंघाड़े कहाँ कहाँ बेचते हैं? दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, मैनपुरी, इटावा, हर जगह का व्यापारी आता है हमारे गाँव, लखनऊ तक भी जाते हैं। अच्छा, लखनऊ भी सेल करते हैं? तो देखिएगा काफी दूर दूर तक इनके सिंघाड़े जाते हैं, जो कि एकदम शुद्ध नहर का पानी आता है उसी में उगाए जाते हैं। तो आपके माइंड से ये निकल गया होगा कि जो सिंघाड़े निकाले जाते हैं वो गंदे पानी में किए जाते हैं? गंदे पानी में नहीं, एकदम शुद्ध पानी में किए जाते हैं। गंदा पानी, गंदा पानी नहीं होता है, ये साफ पानी रहता है, एकदम साफ पानी रहता है। ये पीने के योग्य पानी है, ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें ज्यादा है। अच्छा, इस पानी में? हाँ। क्या बात है भैया, इसमें कौन कौन से कलर के सिंघाड़े हैं? 3 कलर के हैं, सफेद है, लाल है और हरा है। सफेद, लाल और हरा। अच्छा, ये 3 कलर के सिंघाड़े रहते हैं जी, ये ग्रीन, व्हाइट और रेड। तो आप ये इस तरीके से सिंघाड़े तोड़ रहे हैं, आपने नाव में जमा कर रखे हैं, तो नाव में कितने किलो सिंघाड़े आते होंगे? तकरीबन 1 क्विंटल 40 किलो। सिंघाड़े की जो नाव है बिल्कुल भर चुकी है अच्छे से, अब इसको किनारे पे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर भैया ने सिंघाड़े तोड़ लिए और नाव को भर के ले जाया जा रहा है। ये देखिएगा भाई, जब कितनी मेहनत के बाद तब कहीं जाके इनकी नाव भर पाई है। सुबह से 8 बजे से सिंघाड़े तोड़ते हुए आ रहे हैं, 12 बज चुके हैं, सिंघाड़े तोड़ने के बाद पूरी नाव भर गई है। अब भैया इसको धीमे धीमे चला चला के किनारे तक लेके आएंगे, और पानी ज्यादा नहीं है, सिर्फ पानी इतना है कि कमर तक आ जाए, इससे गहरा पानी नहीं रहता है कहीं भी। ये देखिएगा भैया इसको चलाते हुए लेके आते जा रहे हैं। भैया वैसे वजन कितना होगा इसमें? 1 क्विंटल वजन होगा इसमें? क्या बात है भाई, 1 क्विंटल सिंघाड़े तोड़ दिए हैं भैया ने। अब सिंघाड़े किनारे पे आने के बाद गंदे सिंघाड़े हैं, इसको धोया जा रहा है पानी से। ये देखिएगा पानी भर भर के इसी तरीके से तसले में डाला जाएगा, और तसले में पानी भर भर के इस तरीके से नाव में डाला जाएगा, और सारे सिंघाड़े हैं उनको धो दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है गंदे सिंघाड़े तोड़े हैं तो आपको गंदे ही मिले, सिंघाड़े आपको एकदम साफ सुथरे मिलने वाले हैं। ये देखिएगा सिंघाड़े धुलने के बाद अब इनको तसले में डाला जाएगा, अब ये बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिएगा सिंघाड़े तसले में आ चुके हैं धुलने के बाद, अब इनको यहाँ पर फट पर डाल दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिंघाड़े इकट्ठे कर लिए, अब यहीं से जो खरीदने वाले वो आएंगे और सिंघाड़े लेके जाएंगे। तो सिंघाड़े टूट चुके हैं, काफी देर से मन कर रहा था कि मैं कब मेरे पास सिंघाड़े हैं मैं खा के जाऊं। यहाँ पर भैया पानी में घुस के भींग गए, और मैं वीडियो शूट करते करते धूप में मैं पसीने से भींग गया, लेकिन कोई नहीं, ठंडे ठंडे सिंघाड़े खाने के मिलेंगे तो मजा तो आएगी। तो टेस्ट करते हैं कैसा, टेस्ट तो अच्छा होगा। टेंशन ना लिया, आपके सामने छोटा ही तोड़ूंगा लेकिन खाऊंगा मैं ज्यादा से, टेस्ट काफी अच्छा है। तो आपके लिए ये वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाई है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो और भी लोग हैं उन्हें पता चले कि सिंघाड़े जो तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है।